शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर फिर से मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। राज कुंद्रा फिर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ वक्त से राज कुंद्रा कॉन्ट्रोवर्सी से काफी दूर थे, लेकिन अब जो खबर निकल के सामने आ रही है उससे आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल इस बार राज कुंद्रा पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने उनकी करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया है। क्या है पूरा अपडेट, आइए इस वीडियो में जानते हैं। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं। दरअसल ईडी ने इनकी 97 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। ईडी मुंबई ने अनंतिम रूप से रुपए 97 करोड़ की अचल और चल संपत्तियों को PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत रिपु सूदन कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा से संबंधित कुर्क किया गया है। संलग्न संपत्तियों में जुहू में मौजूद आवासीय फ्लैट शामिल है, जो कि अभी मौजूदा में शिल्पा शेट्टी के नाम पर है। पुणे में मौजूद एक रेसिडेंशियल बंगला है और इक्विटी शेयर राज कुंद्रा के नाम पर है। ये FIR MS वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिंपी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और कुछ एजेंट के खिलाफ दर्ज की गई थी। इन FIR में कहा गया है कि इन लोगों ने लगभग 6600 करोड़ रुपए के बिटकॉइन 2017 में झूठे वादों के आधार पर निवेशकों से हासिल किए थे। इस दौरान लोगों से 10% के रिटर्न का वादा किया गया था। ये एक तरह की पोंजी स्कीम थी। निवेशकों के साथ भारी धोखाधड़ी की गई थी। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि राज कुंद्रा को इस घोटाले के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन मिले थे। ये बिटकॉइन यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग में निवेश के लिए मिले थे, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया और बिटकॉइन आज भी कुंद्रा के पास हैं, जिनकी मौजूदा वैल्यू इस वक्त 150 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बता दें कि 2021 में पोर्नोग्राफी मामले में भी राज कुंद्रा का नाम सामने आया था। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। आपको बता दें, ईडी ने महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज की गई FIR के आधार पर जांच भी शुरू कर दी है। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे इस पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।